वेलकम बैक गाइस टू योर फेवरेट चैनल हेलमेट वीडियोस। जैसे कि आप देख सकते हो आपका स्क्रीन के ऊपर ब्लू चिप का नाम, तो आप लोगों को पता ही लग गया होगा कि आज हम ब्लू चिप फंड के ऊपर रिव्यू देने वाले हैं। सो गाइस, इसका एक ऐप आता है प्ले स्टोर में, उसका डाउनलोड लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो इस ऐप से आप इन्वेस्ट कर सकते हो, SIP में हो, इक्विटी में हो, ट्रेडिंग कर सकते हो। सो इस ऐप का जो पॉजिटिव व्यूज़ है या नेगेटिव व्यूज़, वही आज आपके साथ शेयर करेंगे। और किस में आप कैसे इन्वेस्ट कर सकते हो, क्या करना पड़ेगा, क्या नहीं चाहिए, वो भी आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो चलिए आपके सामने मैं लॉगिन कर लेते हैं। तो नॉर्मल आपको जो इंस्टॉल करने के बाद जब आपका वेरिफिकेशन प्रोसेस होता है, उसके बाद आपका ऐसा आता है, आपको एक पिन देना पड़ता है, जो पिन दे के ही आप लॉगिन कर सकते हो। चलिए मैं दे देता हूँ, लीजिए मैं पिन दे दिया और मेरा लॉगिन हो चुका है। आप जैसे कि देख सकते हो ऊपर के तरफ आपका नाम दिखाएगा और जो अकाउंट आपका खुला गया है ब्लू चिप के अंडर में, वो आपको शो करेगा। आप चाहे तो इसमें भी कर सकते हो और नया एक प्रोफाइल भी क्रिएट कर सकते हो, वो आपका चॉइस पे है। तो आप पहले इसमें जो चार इन्फो है, तो पहला आपको देख सकते हो जो इन्फो है वो है पार्चेस नाम से। तो इसमें क्या है, पार्चेस में आप जाओगे तो आप जितना भी स्कीम से उसके बारे में आपको नॉलेज मिल सकता है या आप उसको पार्चेस कर सकते हैं। जैसे आपको मैं जो दिखा रहा हूँ अभी ट्रेंडिंग जो चल रहा है, सबसे हाईएस्ट पे है आदित्य बिरला SL बैलेंस्ड एडवांटेज फंड। तो आप देख सकते हो ये अभी टॉप में इसलिए है, सिर्फ 3 मंथ में ये 13.22 का इंटरेस्ट दे रहा है और एक ईयर में 15.26 का और 3 ईयर में 26.17 का। जो गाइस नॉर्मल जितना भी आप SIP करते हो उस हिसाब से बहुत ही ज़्यादा है। और गाइस आप ये भी अपने मन से निकाल दीजिए कि आपको एकदम 13.22% ही मिलेगा, ये आपका मार्केट बेस्ड है। अगर मार्केट कैप जो है वो अगर गिरेगा तो आपका भी बैलेंस गिरेगा, अगर ये बढ़ेगा तो आपका भी बढ़ेगा। तो ऐसा नहीं है ये एकदम फिक्स्ड है, पर ये कौन सा बेसिक में देता है कि ये जो लास्ट 3 महीने गया है उसका जो आपका ऑन एन एवरेज जो परसेंटेज सबको मिला है इन्वेस्टमेंट के बाद, वो आपको दिया है। मतलब लास्ट जो 3 महीने गया उसमें बाकी लोगों को 13.22 का प्रॉफिट मिला है। सो गाइस और भी जैसे आप कुछ SIP है देख सकते हैं, एक्सिस बैलेंस्ड, कोटक बैलेंस्ड, महिंद्र, मैनुलाइफ बैलेंस्ड और निपन इंडिया। सो गाइस आप जैसे देख सकते हो सबसे बढ़िया अभी आदित्य बिरला ही चल रहा है, उसके बाद एक्सिस। सो मेरे को अगर आप पूछे तो मैं बोलूँगा एक्सिस में इन्वेस्ट करने, क्योंकि आदित्य बिरला इन्वेस्टमेंट में सही है, गलत की चुन नहीं है, पर इसमें जो दिक्कत है कि ये बहुत भैरी करता है, पर एक्सिस आपका बैलेंस्ड है। तो इस हिसाब से आप अपना देख लीजिएगा, ये आपका ऊपर है। दूसरा जो है आप देख सकते हो SIP। सो गाइस आपको जो मैंने स्कीम्स दिखाया उसमें ही आपका SIP आता है, उससे आप ब्रॉड कर सकते हो। SIP में मिनिमम आप 1000 से लेके जितना भी ऊपर का पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो पर मंथ। जैसे आप देख सकते हो जब SIP में जाएंगे तो आपको दो पूछा जाएगा, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट प्लस SIP, मतलब आपको पहला इंस्टॉलमेंट ही दे देना पड़ेगा। जैसे अभी अगर करो तो अभी आपको 2000 देना पड़ेगा, ये 1000। नेक्स्ट जब आप करोगे तो उसमें फिर से आपको 1000-2000 देना पड़ेगा। और ओनली SIP में अभी अगर आप स्टार्ट कर दोगे तो आपका जो नेक्स्ट महीने है, जैसे जो डेट आप सिलेक्ट करोगे उस डेट में आपका काटा जाएगा, तो उसमें फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का ज़रूरत नहीं पड़ता। सो आप इधर कंटिन्यू कर देंगे तो इधर भी आपका जो ट्रेंडिंग फंड्स आपको दिखाई दिया वो ही दिखाएगा। और इसमें से लास्ट में जो पोर्टफोलियो है उसमें से आप देख सकते हो अभी आप जो SIP में इन्वेस्ट किए हो उसमें कितना लॉस और प्रॉफिट गेन हो रहा है। जैसे कि आपको मैं दिखा देता हूँ, मैं ऑलरेडी एक में किया हूँ 2000, सिर्फ कुछ दिन हुआ है, अभी भी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में ही हूँ, मेरा फर्स्ट महीने का जो SIP वो काटा नहीं है। तो अभी ऑलरेडी मेरे को
₹50 का बढ़त हो चुका है सिर्फ 2000 इंस्टॉलमेंट में, और मैंने कोटक महिंद्रा पे लगाया है, ठीक है ना, एक्सिस ना आदित्य बिरला। तो गाइस मैंने थोड़ा साहस करके लगाया है, अब देखते क्या होता है। सो चलिए बैक करते हैं, उसके बाद है NFO। सो गाइस इसमें से आप डायरेक्ट कुछ भी जो फंड्स है उसमें आप ऑफर के साथ खरीद सकते हो। जैसे आप देख सकते हो ऑन स्क्रीन बहुत सारे हैं जो लगभग एक महीने का अराउंड या 15 दिन का अराउंड में लगता है, ठीक है। इसमें आप ट्राई कर सकते हैं, पर ये थोड़ा रिस्की है क्योंकि नॉर्मली SIP में आपको जैसा एक अवेलेबल बोनस मिलता है जो आपका चलते जाता है, पर इसमें वो नहीं होता। इसमें आपको थोड़ा डर है, अगर 15 दिन में टोटल गिर जाए तो गिर गया, अगर बढ़ गया तो आपका प्रॉफिट। सो थोड़ा इसमें टेंशन है, तो आप देख के इसमें इन्वेस्ट कीजिएगा, ये आप पे है। तो ये ऑप्शन हुआ न्यू फंड्स ऑफर, ठीक है। उसके ऊपर जो है स्विच और STP, ये भी एक है, आप इसमें स्विच कर सकते हो। जैसे आप देख सकते हो मेरा जो ऑलरेडी इन्वेस्टेड SIP है, हम इसको मनी को किसी और SIP में शिफ्ट कर सकते हैं। ये थोड़ा अच्छा प्रोसेस दिया गया है, पर मेरे हिसाब से जब आप एक में इन्वेस्ट ऑलरेडी कर चुके हैं तो मेरे को उसमें टाइम देना है, क्योंकि एक दिन में तो आपका नहीं भरेगा, तो उस हिसाब से आपको इसमें यूज़ ना ही किए तो अच्छा है ये ऑप्शन। दूसरा है रिडेम्पशन, ठीक है। इसमें भी अगर आपको आपका पैसा निकाल लेना है जो SIP में आप ऑलरेडी इन्वेस्ट किए हो या दूसरे जो ऑप्शंस में आपको दिखाया उसमें, तो उससे आप अपना रिडीम कर सकते हो अपना पैसा। और एक है स्वैप, स्वैप में आप जो विड्रॉल कर सकते हो, मतलब आपका जो इन्वेस्ट हुआ है ऑलरेडी पैसा इसमें, वो आप विड्रॉल कर सकते हो। नॉर्मली अगर आप बोलो रिडेम्पशन और विड्रॉल में क्या पैसा है, क्या डिफरेंट है, तो आपका कोई पैसे का डिफरेंट नहीं आता, पर विड्रॉल करने पे आपका जो इंटरेस्ट है थोड़ा कम हो सकता है, और रिडेम्पशन में आप रिडेम करोगे पर फिर उसको किसी में इन्वेस्ट कर दोगे, ठीक है। आप समझ पाए ना जो मैं समझाना चाहा, तो ऐसे आपका होगा जो ऑप्शंस। और आप नीचे आपको और कुछ ज़्यादा नहीं मिलेगा, वही आपका जो ट्रेंडिंग चीज़ है वो सब आपको मिल रहा है, कोटक का, महिंद्रा का, ये सब आपको जो है ये आपको मिलेगा। प्रोफाइल में जाओगे तो आपको आपका जो ब्रांच है आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। अगर आप चाहो तो ये ऐप में जो लॉगिन करना पड़ता है ये आप कोई अपना जो लोकल ब्रांच से भी करवा सकते हैं, या चाहे तो अपना जो खुद से भी कर सकते हैं, वो आप पे है। इसमें सिर्फ KYC का ज़रूरत पड़ता है, वो तो आप खुद ही कर सकते हैं, क्योंकि आप भी हम सबको ही पता है कैसे KYC अपडेट किया जाता है या नहीं। तो नॉर्मली इसके बाद आपको बैंक अकाउंट में साइन इन करना पड़ता है। बैंक अकाउंट में साइन इन करने के बाद एक ई मैंडेट, एक लॉगिन भेजना पड़ता है जो आपको ये ऐप तुरंत भेज देता है, और उसमें थोड़ा टाइम लग जाता है। जब ई मैंडेट होगा उसके बाद 48 to 76 hours लग जाता है उसको एक्सेप्ट होने में। आप एक्सेप्ट तुरंत कर दोगे फिर भी, पता नहीं ये किसका दिक्कत है, बैंक का या इस जो फंड राइजर है इसका। तो उसके ऊपर आप देख सकते हो MPIN सेटअप, राइज क्वेरी, चेंज पासवर्ड, ये सब तो आपको पता ही है, इसको और क्या बोलना। सो गाइस आज का वीडियो इतना था कि अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि सबको ही थोड़ा बहुत इनकम चाहिए आज का दिन पे, जितना कम रोज़गार सबके पास है। सो इन्वेस्टमेंट ही एक ऐसा उपाय है जिससे सब बंदे लोग थोड़ा बहुत इनकम कर सकते। और गाइस आपको फिर भी अगर कोई चीज़ समझ में ना आए या आपको पूछना चाहे तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, हम तुरंत आपका जवाब दे देंगे। और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसा ही वीडियो और भी लाने वाले हैं। और अगर आपको भी कोई वीडियो सजेस्ट करना है तो आप कमेंट सेक्शन में हमको बोल सकते हैं, या हमारा जो भी सोशल मीडियाज है उसमें हमको मैसेज करके पर्सनली भी बोल सकते हैं, हम आपके लिए ही
बैठे हैं सिर्फ वीडियो बनाने के लिए। सो गाइस प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल एंड मेक अस हैप्पी एंड हैप्पियर।